खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से केस जीत कर नामपली पर मुकाम प्रॉपर्टी से कब्जा हटाया। तफसलात के मुताबिक नामपली से है खबर, जहां नामपली टेकी मस्जिद के रूबरू 130 गज जमीन जो वक्फ प्रॉपर्टी की है, कोर्ट के ऑर्डर की मदद से, पुलिस की मदद से उस इलाके को खाली करवाया गया और वक्फ बोर्ड ने वापस वो प्रॉपर्टी कब्जेदारों के पास से ले ली। सारा गैर कानूनी तामीराती काम को डिमोलिश किया गया JCP के जरिए। अब नामपली टेकी मस्जिद के रूबरू 130 गज जमीन वक्फ बोर्ड की निगरानी में है। आइए सुनते हैं मजीद तफसलात वक्फ बोर्ड के DSP की जुबानी। हमारी नुमाइंदे जाफर की ये खास रिपोर्ट पेश है। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज। कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर ये रहमतुल्ली शाह दरगाह शरीफ और कब्रस्तान की जो जगह है, ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बन के बनाकर लकड़ी की स्टाल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया। ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाईकोर्ट अलो करा। फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया 3 महीने के अंदर
इसको प्रॉपर्टी को हैंडओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू आरडीओ को एज पर आरडीओ के एवेक्शन ऑर्डर के ऊपर वो बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंडओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ की प्रॉपर्टी, पीर वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वफ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इल्लीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं, ये गलत है। वफ़ की प्रॉपर्टी वफ़ की रहेगी, हज़ार साल होने दो क़ियामत तक वफ़ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वफ़ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए एक मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वफ़ का मामला है, वफ़ के मामले में कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी है मालूम हो गया तो किरायादार बन जाओ, आसानी से किरायादार बन जाओ, आप किराए से रह सकते, आपको किराए से रहने में कोई एतराज़ नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी है ये? ये करीब करीब 130 गज 140 के उसके करीब है, और इसके तहत बाकी के पूरे प्रॉपर्टियां हैं वो सब किराया दे रहे हो लोग, किरायादार है। ये एक ही जो सो ओनरशिप क्लेम करके लड़ रहे थे, गलत साबित हुआ वफ की प्रॉपर्टी बल्कि टोटल एक्सटेंड लैंड जो लैंड है, दरगाह की जो लैंड है ना, जो कब्रस्तान की लैंड है, वो पूरी एक्सटेंड लैंड है। उसमें डिस्प्यूट ये 130 का है, ये है। ट्रिब्यूनल गए पहले, ट्रिब्यूनल वक्फी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल क्लियर कट कभी भी ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल टाइटल देखता, टाइटल क्लियर साबित करके वफ की प्रॉपर्टी बोला, और टाइटल के ऊपर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट अलो किया। उसके बाद हमारे हाईकोर्ट अलो करने के बाद हम क्या करें, उसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया, ये इंक्रोचमेंट हुआ ये प्रॉपर्टी का, आर्डर ई पार्टी का। और इसके ताल्लुक से मीडिया के सामने ऐसे हज़ारों केसे हैं लड़ रहे हैं। इसके ऊपर हमारे सी ओ साहब शाहनवाज कासिम साहब, अब अभी वक्फ बोर्ड सलीम सलीम साहब भी चेयरमैन सलीम साहब, ये लोग अभी इसके तय इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली अब हमारे जो ऑफिस है हेयर ऑफिशल्स के डायरेक्शन पे हम आए, आरडीओ को डायरेक्शन दिए, आरडीओ कलेक्टर कलेक्टर आरडीओ को देने के बाद हम जो है सो हमारे पोजीशन हैंड ओवर कर दिए हैं, हैंड ओवर कर लिए पोजीशन में, वफ के प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ले चुके हैं। ये है बात, अब कितने प्रॉपर्टियाँ कितने केसेस वो अलग लिस्ट है।